हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शायरी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द डेड मैन द फीनेम अंडरटेकर के बारे में। आप सभी को बता दूं फ्रेंड्स कि अंडरटेकर WWE में एक रेसलर से भी ज्यादा मेन करेक्टर हैं और WWE में उनका करेक्टर बहुत ही डरावना और हॉरर दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, हम आज की इस वीडियो में इन सभी बातों के बारे में जानेंगे और अंडरटेकर के अब तक की पूरी लाइफ के स्ट्रगल के बारे में आपको बताएंगे और समझाएंगे। और बिना देरी के शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। द अंडरटेकर, जिनका असली नाम मार्क विलियम कैलेवे है, उनका जन्म 24 मार्च 1965 को हुआ। द अंडरटेकर के चार बड़े भाई हैं। द अंडरटेकर शुरू से ही स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। वो बास्केटबॉल कॉलेज टाइम से खेलते आ रहे हैं और वो फुटबॉल के भी बहुत बड़े खिलाड़ी रहे। और 1983 को उन्होंने ग्रेजुएट कंप्लीट कर ली थी। और 1985 से लेकर 1986 तक अंडरटेकर ने बास्केटबॉल खेला। उनकी पढ़ाई में दिलचस्पी ना होने के कारण 1986 को उन्होंने बिना पढ़ाई पूरे किए यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया। द अंडरटेकर कुछ टाइम बास्केटबॉल खेलते रहे और फिर उन्होंने सोचा कि अब वो रेसलर बनना चाहते हैं, तो उन्होंने जल्दी ही रेसलिंग को ज्वाइन कर लिया। द अंडरटेकर ने पहली कुश्ती WCW में की थी और वो पहला मैच हार गए थे। तब उनका रिंग का नाम था टेक्सस रेड। इसके बाद 1889 में द अंडरटेकर ने एक बार फिर अपने नए नाम से रेसलिंग ज्वाइन की और इस बार उनका नाम था द मास्टर ऑफ पेन। ये बहुत ही दर्दनाक और भयानक नाम था। और इस बार उनका मैच था जेरी लॉलर के साथ और वो बड़ी आसानी से उनको हरा रहे थे। और जेरी लॉलर और अंडरटेकर के बीच में जल्दी ही टाइटल मैच हुआ और द अंडरटेकर ने ये मैच भी जीत गए और उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। ये अंडरटेकर का पहला टाइटल पेन था। इस तरह अंडरटेकर ने बहुत सारी जीतों को अपने नाम किया और बहुत बार अपना नाम बदला और अपनी लाइफ की शुरुआत की। 1989 में उन्होंने मीन मार्क कैलोस के नाम से वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग में अपना नाम बनाया। इसके बाद फिर अंडरटेकर ने WWF को ज्वाइन कर लिया और इसका पूरा नाम था वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन। नवंबर 1990 को फिर उन्होंने अपना नाम बदला और इस बार उन्होंने अपना नाम रखा केन द अंडरटेकर। और हम अंडरटेकर का ये करैक्टर तो जानते ही हैं, ये करैक्टर बहुत ही दर्दनाक और हॉरर है। और अपनी लाइफ में अंडरटेकर बहुत सारे मैचेस लड़े और द अंडरटेकर ने टेड डीविज के पार्टनर बनकर कोको वीवारी को हराया। और इसके बाद एक मैच में डस्टी रोड्स को भी अंडरटेकर ने हरा दिया। और इस मैच के बाद ही उनका नाम केन द अंडरटेकर से बदलकर द अंडरटेकर हो गया और इसी तरह फेमस हो गया। और द अंडरटेकर ने अपना मैनेजर ब्रदर लव से बदलकर पॉल बेरर को रख लिया। आप सभी ने देखा होगा कि पॉल बेरर हाथ में एक कलश लेकर आते हैं और उनका कहना था कि इस कलश में बुरी शक्तियां हैं जो कि मरे हुए लोगों से मिलती हैं और ये शक्तियां ही अंडरटेकर को ताकत देती हैं। और 1991 में अंडरटेकर की WWF के चैंपियन बनने की शुरुआत हुई। रेसलमेनिया 7 में अंडरटेकर ने सुपरफ्लाई जिमी स्नुका को हराया और अंडरटेकर ने हल्क होगन को भी नहीं छोड़ा और उनको भी हरा डाला। फिर जब एक बार वो जोको जोना से लड़ रहे थे तब अंडरटेकर को अचानक कमर में मोच आ गई थी और इसके कारण वो मैच हार गए थे और द अंडरटेकर 7 महीनों तक गायब रहे थे। और 7 महीनों गायब होने के बाद टेड डीविज उनको वापस WWF में लेकर आए और फिर से उनकी जीतों का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद 2008 और 9 में हमें बहुत बड़ा मैच देखने को मिला और ये मैच था द अंडरटेकर और शॉन माइकल के बीच में। अंडरटेकर और शॉन माइकल के बीच में ये पहला सिंगल मैच था और इस मैच में अंडरटेकर ने बहुत बुरी तरह से शॉन माइकल को हरा दिया और जीत को अपने नाम किया। ये मैच रेसलमेनिया 25 में हुआ था और जनता ने इसे बहुत सारा प्यार दिया और ये मैच आज भी सबसे बेहतरीन मैचेस में एक माना जाता है। और अंडरटेकर की सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने बिना हारे 21 जीतों को अपने नाम किया और इन जीतों में बहुत से बड़े बड़े रेसलर को हराया जिनमें जॉन सीना, ट्रिपल एच,
रैंडी ओटन, बिग शो, शॉन माइकल जैसे बड़े खिलाड़ी मौजूद थे। और 2014 में बहुत बड़ा मैच हुआ अंडरटेकर और ब्रॉक लेसनर के बीच में, और इस मैच से जनता को उम्मीद थी कि अंडरटेकर जीत जाएंगे, और इस मैच में ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर को बुरी तरह से हरा दिया और अंडरटेकर की जीतों का सिलसिला वहीं थम गया। और फिर अंडरटेकर कुछ सालों तक गायब भी रहे, और फिर उन्होंने 2017 में अपनी वापसी की और रोमन रेंज के साथ एक मैच लड़ा, और इस मैच में भी वो बुरी तरह से हार गए। और हारने के बाद उन्होंने अपना कोट, हैट और ग्लव्स उतार दिए और संन्यास ले लिया और रिंग के बीचों बीच रख दिए। पर इसके बाद भी अंडरटेकर WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे, और हमें 2020 के रेसलमेनिया 36 में एजे स्टाइल के साथ मैच में दिखे, और ये मैच का नाम था बोनयार्ड मैच। और इस मैच में अंडरटेकर ने फिर से अपनी जीत हासिल की और एजे स्टाइल्स को हरा दिया। अंडरटेकर के नाम पे बहुत से रिकॉर्ड दर्ज हैं। अंडरटेकर की 21 लगातार जीतों का रिकॉर्ड तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इस तरह अंडरटेकर की स्ट्रगल लाइफ बहुत ही ज़्यादा लंबी थी और अभी भी चल रही है। वैसे ये बात पक्की है कि अंडरटेकर रिटायर हो चुके हैं, पर अब भी WWE के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में हैं, ये बात भी सच है। और हो सकता है कि अगर WWE उनको किसी शो में बुलाएं या किसी मैच के लिए ऑफर करें तो अंडरटेकर हमें देखने को मिल सकते हैं, और अंडरटेकर हमें हमेशा याद रहेंगे। और आज भी बहुत सारे रेसलर उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। और फ्रेंड्स, आज की जानकारी यहीं पर ख़त्म होती है, और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे से भी हम इस तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाली वीडियोस लाते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।